सब कुछ कुशलोम बाइबल में से कुछ लोगों के विषय में ध्यान करेंगे जिनका प्रारंभ बहुत अच्छा था लेकिन उनका अंत बहुत बुरा हुआ वे बहुत ही अभाग्य स्थिति में पहुंच गए असहाय स्थिति में पहुंच गए उनके इस तरह अभाग्य और असहाय स्थिति में पहुंचने का कारण कौन है आज हम देखेंगे प्रयोग कई संदर्भों में जब हम नष्ट उठाते हैं जब कष्टों में पड़ जाते हैं आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं आत्मिक रूप से जब निर्बल हो जाते हैं परमेश्वर से जब दूर हो जाते हैं शरीर जब कमजोर हो जाता है जो हमारा था उसे जब हम खो देते हैं बहुत से संदर्भों में फलाने लोग मेरे साथ बुरा किए जिसके कारण ने लोगों के किए गए अन्याय के कारण आज मैं इस स्थिति में आ गया हूं यह कह कहकर हम दूसरों की निंदा करते हैं और कुछ लोग उनके निस्सहाय स्थिति के कारण पता नहीं क्यों परमेश्वर मुझे ऐसी स्थिति में डाल दिया है इस तरह परमेश्वर को कोसते हैं और कुछ लोग इस तरह कहते हैं मेरे माता पिता के कारण ऐसा हुआ है इस तरह अपने माता पिता को कोसने वाले इस तरह अपने पति और पत्नी को कोसने वाले सामान्यतः दिखाई देते हैं आज आपकी स्थिति क्या है आपकी परिस्थिति क्या है आज आपकी निराशा और व्याकुलता का कारण क्या है आज आपके जीवन में आज आप जो बुरी स्थिति में हैं बुरे हाल में हैं, इसका कारण कौन है किन लोगों के कारण ऐसा हुआ और कारण क्या है ये जानने से अच्छा होगा आइए हम सब मिलकर पुराने नियम पुस्तक की पुस्तक में से देखेंगे न्यायियों की पुस्तक में से देखेंगे सोलवा अध्याय इक्कीसवां वचन तब पलस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा कौन शिमशान। तेईसवां वचन तब पलस्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है और जब लोगों ने उसे देखा तब यह कहकर अपने देवता की बड़ाई की हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश का नाश करने वाले को जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला हमारे हाथ में कर दिया है जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे इसलिए बंदी गृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा खम्बों के बीच उसे खड़ा कर दिया गया प्रियो कभी अचानक बिजली चली जाने से तब आप क्या करते हैं बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं सही है ना आपके घर में बिजली गोल हो गई आप थोड़ी देर शांत बैठ जाएंगे आप बाथरूम में थे बिजली गोल हो गई क्या करेंगे आप चुपचाप रहेंगे ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं उस समय तक जो बहुत बलवान था उस समय तक जो अपनी आंखों से सुंदर लड़कियों को निहारा करता था कोई सुंदर लड़की उससे दिख जाए तो बस उसके पास जाने के लिए दौड़ लगाया करता था ऐसा व्यक्ति जिसने गदे के जबड़े की हड्डी से एक हजार लोगों को मारा वो शिमशौन शिमशौन आ रहा है यदि कोई इस बात को सुन ले तो वे सभी भय से सोचते थे कहीं हमें मार ना डाले इस तरह मनुष्यों के अंदर भय और डर को उत्पन्न किया हुआ व्यक्ति सावधानी से जांचने से जिन आंखों से उसने लड़कियों को देखा जिन आंखों से उसने अपवित्र चीजों को देखा उन्हीं आंखों को उन पलस्तियों ने सबसे पहले फोड़ दिया उदाहरण के लिए चौदवे अध्याय के पहले वचन को देखेंगे शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक प्लस थी स्त्री को देखा तो शिमशोन तिम्ना नाम के एक पापमय में स्थान में जाकर एक स्त्री को देखा किस से देखा आंखों से देखा पंद्रह अध्याय पहला वचन परंतु कुछ दिनों के बाद गेहूं की कटनी के दिनों में शिमशोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया चौदहवें अध्याय के पहले वचन में हमने क्या देखा एक स्त्री को देखा पंद्रह अध्याय के पहले वचन में हम क्या देखते हैं अपनी पत्नी को देखने को गया वो कौन है पलस्ती है जो एक अन्य जाति स्त्री है उस स्त्री को देखना ही नहीं प्रेम करना ही नहीं उससे शादी कर लिया और वो शादी कुछ ही दिनों में टूट गई सोलवा अध्याय पहला वचन तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर अपने ताकत को परमेश्वर के लिए उपयोग करना था अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए उपयोग करना था शिमशोन को लेकिन उसने अपने शरीर को आंखों को अपने पाप में लालसाओं को पूरी करने के लिए उपयोग कर रहा था प्रिय भाइयों और बहनों उस दिन परमेश्वर शिमशोन को आंखें इसलिए नहीं दिया कि गलत चीजों को देखे लेकिन उसने अपनी आंखों से अपवित्र चीजों को देखने के लिए बार 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 दौड़ लगाता रहा प्रिय परमेश्वर ने हमें आंखें गलत चीजों को देखने के लिए नहीं दिया है आज हमारे बीच ऐसे लोग हैं क्या अपवित्र लोगों को देखने के लिए अपवित्र चीजों को देखने के लिए लालसा करने वाले हैं क्या सावधान शिमशौन जब शत्रुओं के हाथों में पकड़ा गया सबसे पहले शिमशौन क्या खोया बताइए क्या खोया आंखें आंखें खो दिया प्रिय भाई और बहनों कृपया ध्यान दीजिए परमेश्वर ने जो शरीर हमें दिया है ये परमेश्वर का मंदिर है इस मंदिर में परमेश्वर का हर एक अंग परमेश्वर की स्तुति करने के लिए महिमा करने के लिए है प्रिय वचन कहता है यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा तो मैं उसे नाश करूंगा सावधान प्रिय भाइयों और बहनों अपनी जवानी में तुच्छ और नीच और अपवित्र चीजों को देखने के लिए अपने आंखों का इस्तेमाल करेंगे तो उसका कीमत आपको चुकाना पड़ेगा एक बहन आकर कह रही थी पास्टर जी परमेश्वर मुझे एक अच्छी नौकरी दिया उस नौकरी में मेरे लिए अलग से एक अच्छा कैबिन भी है सबके साथ मिलकर मुझे बैठने की आवश्यकता नहीं है एक सुंदर कैबिन अच्छी रीति से नौकरी करने का अवसर प्रभु मुझे दिया तो पता नहीं क्यों पाप में इच्छाएं पाप में लालसाएं मुझ में जागृत होकर मैं अकेली रहती थी एकांत एक में रहती थी इसलिए अश्लील फिल्में देखने की मैं आदि हो गई एक लड़की कह रही थी केवल लड़के ही अश्लील फिल्में नहीं देखते हैं इन दिनों में लड़कियां भी अश्लील फिल्में देखती हैं केवल बच्चे ही नहीं बड़े लोग भी देख रहे हैं आज बहुत से लोग अश्लील फिल्में देखने के आदि हो चुके हैं प्रिय भाई और बहनों एक बार हम अपनी आंखों को जांचें। उस दिन शिमशोन ऐसे अभाग्य स्थिति में पहुंच गया इसका मुख्य कारण क्या है जानते हैं उसने जो अपने जीवन में अपवित्र काम किए वे ही सबसे पहले उसकी आंखें फोड़ डाले और उसके बाद उसके शरीर को मार मार के छलनी कर दिए परमेश्वर जो बल हमें दिया है शरीर की लालसाओं को पूरी करने के लिए नहीं बलवंत परमेश्वर के हाथों से हम बलपूर्वक इस्तेमाल होंगे इसी उद्देश्य से परमेश्वर आपको सुंदर और स्वस्थ शरीर दिया है और सुंदर रूप दिया है इसका कारण क्या है कि आप परमेश्वर की महिमा करें आपके शरीर से आपके स्वरूप से और अपनी तंदुरुस्ती से और अपने आशीषों से परमेश्वर की महिमा करोगे उसका आदर करोगे और उसके राज्य को बढ़ाओगे यही परमेश्वर का उद्देश्य था परमेश्वर के दिए गए स्वास्थ्य को आधार बनाकर पाप में कामों को करने की कोशिश किया शिमशोन उसका क्या हुआ लिखा है वे शिमशोन की आंखों को फोड़ दिए और पीतल की बेड़ियों से उसके शरीर को बांध दिए और वो बंदी ग्रह में चक्की पीस रहा था प्रियो चक्की पीसना उतना आसान नहीं है उसमें बहुत ही मेहनत लगता है सारा शरीर टूट जाता है और उतना ही नहीं वे चाहते थे कि शुमसौन आकर उनके लिए तमाशा करे और वे उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे उसे कितनी मानसिक पीड़ा हुई होगी ये सब का कारण क्या है एक बार हम पीछे जाएंगे इसराइल देश में सारे लोग जब पापमय कामों को कर रहे थे उनके मन मर्जी के पापमय जीवन के कारण चालीस साल पलस्तियों के हाथों में इसराइली जब गुलाम होकर जी रहे थे ऐसे भयानक दिनों में एक आत्मिक स्त्री और पुरुष परमेश्वर की के भक्ति के साथ उनके चारों ओर के लोग बहुत ही पापमय लोग होने पर भी वे पवित्र जीवन जीना है और प्रभु के संतान होकर जीना है इस उद्देश्य से वे आत्मिक जीवन जी रहे थे फिर भी उनके जीवन में एक इच्छा रह गई थी वो क्या है कि उनके संतान नहीं थी वो पति और पत्नी उनके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने पर भी उनकी संतान नहीं होने पर भी वे परमेश्वर पर विश्वास को नहीं छोड़े प्रियोसमान्यता हमारे जीवन में कुछ समय हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं कुछ समय तक हताश हुए बिना प्रार्थना करते हैं लेकिन जो आशा हमने की उसका उत्तर नहीं मिलने पर सब कुछ ना कुछ आत्मिक जीवन में निराश होकर किस लिए ये आत्मिकता मैं कितना आत्मिक जीवन जियू मैं कितना प्रार्थना करने वाला जीवन जीऊ भक्ति से जीवन जीऊ मुझे कोई उत्तर मिल रहा है क्या मेरे कष्ट दूर हो रहे हैं क्या मैंने जो आशा किया है वो पूरी हो रही है क्या ऐसा लगता है तो फिर ध्यान से सुने मैं बहुत आत्मिक जीवन जी रहा हूं पवित्र जीवन जी रहा हूं, जी हूं उपवास भी करता हूं प्रभु का संतान होकर जी रहा हूं भेंट दे रहा हूं नियमित रूप से चर्च जाता हूं लेकिन मेरे जीवन में मैं किसी आशीष को पा नहीं पा रहा हूं ऐसा यदि आप कह रहे हैं तो आप किसके लिए आ रहे हैं आशीष देने वाले परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के देने वाले आशीष के लिए एक बार सोचें आप सच में यदि आशीषों को देने वाले परमेश्वर के लिए आ रहे हैं तो आशीषें मिलने में देरी होने मात्र से आपको परमेश्वर को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है परमेश्वर के देने वाले आशीषों के लिए ही आप परमेश्वर के पास आ रहे हैं तो वे आशीष मिलने में देरी होने से आप परमेश्वर से रूठेंगे वे आशीषे मिलने में देरी होने से आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं क्या फायदा प्रार्थना करने से क्या फायदा चर्च जाने से क्या फायदा भेंट देने से क्या फायदा पवित्र जीवन जीने से यानी आप फायदे के लिए आ रहे हैं आप फायदे के लिए आ रहे हैं इसलिए आप अपने जीवन में जो मांग रहे हैं आपको नहीं मिल रहा है मैं फिर से कह रहा हूं आप जब परमेश्वर के पास जाते हैं परमेश्वर के देने वाले वरदानों के लिए मत जाइए परमेश्वर के लिए जाइए उस दिन पलस्तियों के शासनकाल में इसराइली लोग जब गुलामी में थे एक पति और पत्नी इस निर्णय को लिए हम गुलामी का जीवन जी रहे हैं फिर भी अभागा जीवन जी रहे फिर भी असहाय जीवन जी रहे हैं फिर भी हम आत्मिकता को नहीं छोड़ेंगे परमेश्वर के अनुकूल जियेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए जिएंगे निर्णय लिए लेकिन उनके जीवन की आशा पूरी नहीं हुई उनकी कोई संतान नहीं हुई फिर भी वे परमेश्वर को नहीं छोड़े फिर भी वे आत्मिकता को नहीं छोड़े फिर भी वे अपनी पवित्रता को नहीं छोड़े प्रिय भाई और बहनों कृपया सुनिए आपने जो मांगा है जो आशा किया यदि आप नहीं पा सक रहे हैं तो आप परमेश्वर से रूठेंगे और प्रार्थना नहीं करेंगे और ऐसे में यदि आप बाहर जाएंगे आपके ताक में बैठा है कौन है बताइए आपके जीवन को नाश करने वाला वो चोर है वो हत्यारा है वो झूठा है आपको नाश करना और आपको नरक में घसीट कर ले जाना ही उसका उद्देश्य है कष्ट होने पर भी नष्ट होने पर भी दुख तकलीफ होने पर भी बीमारी समस्या होने पर भी आर्थिक समस्या होने पर भी परमेश्वर के पंखों के नीचे ही हमें आशीष मिलती है सुरक्षा मिलती है शांति और आनंद मिलता है इसे ना भूलें उस परमेश्वर को छोड़कर आप कहीं भी जाए आप कुछ भी पा नहीं सकते यही किए वे पति पत्नी प्रभु हम कहा जाएंगे पिता हमारे कष्ट दूर ना हो हमारी समस्याएं दूर ना हो हम आपको छोड़कर और कहा जा सकते हैं जालियों का परमेश्वर ना तो सोता है और ना तो ओंघता है तो ही तो हमसे प्रेम करता है तो ही तो हमारी सोधी लेता है तो ही तो हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है तो ही तो हमें इस गुलामी के जीवन से छुटकारा देगा वो पति और पत्नी परमेश्वर पर विश्वास करके उस पाप में समाज में पवित्र जीवन जीने की कोशिश किए प्रिय भाई वही कोशिश आप करें प्रिय बहन वही कोशिश आप करें परिस्थिति आपके विपरीत हो आपने जो सोचा वैसा आपके जीवन में नहीं होने पर भी आपकी आशाएं निराशा में बदल रही हों परमेश्वर से दूर मत होना क्यों जानते हैं मेरा परमेश्वर अन्याय करने वाला बिल्कुल नहीं है समय आ गया स्वर्ग से परमेश्वर का दूत उतर आया मानोह के पत्नी से तुम बांझ हो तुम्हारी संतान नहीं है तुम्हें एक खुशखबरी परमेश्वर तुम एक पुत्र देने जा रहा है उसका नाम शिमशोन रखना वो परमेश्वर के लिए नाजिर होगा तुम्हें पवित्र रहना है कोई भी अशुद्ध वस्तुओं को मत छूना प्रिय माता आपके पुत्र को अच्छा होना है तो मां के रूप में आपको भी अच्छे से रहना है पिता आपके बच्चे पवित्र जीवन जीना है तो आपको भी पवित्र जीवन जीना है माता और पिता आपके बच्चे आशीषित होना है तो पहले आपको आशीषित होना है आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष नहीं रहने से आप आशीष नहीं पाने से आपके बच्चे कैसे आशीषित होंगे और दूसरों के लिए कैसे आशीष बनेंगे एक बार सोचिए उत्पत्ति सत्रह अध्याय पंद्रहवा वचन फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे न कहना उसका नाम सारा होगा मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा मैं उसको बताइए आशीष दूंगा आशीष दूंगा माता आपके ऊपर परमेश्वर का आशीष होना है पिता आपके ऊपर परमेश्वर का आशीष होना है मैं सारा को आशीष दूंगा सारा को आशीष देने से क्या होगा अगले वचन में देखेंगे मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जातियों की मूल माता हो जाएगी आशीष देने से क्या होता है पिता आपको परमेश्वर आशीष देने से माता आपको परमेश्वर आशीष देने से क्या होगा आप बहुत से पीढ़ियों के लिए आशीषदायक बनेंगे आप में से महान महान लोगों को परमेश्वर उठाएगा कैसे देखेंगे आइए वह जातियों की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे प्रिय राजा यानी शासन करने वाले अधिकार रखने वाले उत्तम स्थर में रहने वाले उसके द्वारा आएंगे यानी अर्थ क्या है मैं उसे आशीष दे रहा हूं इसलिए वह उसके सारे संतानों के लिए आशीषदायक बनेगी आइए हम प्रार्थना करें प्रार्थना में सहभागी हूं महान परमेश्वर पिता हम आपके वचन के अधीन हो सके ऐसा मन दीजिए आपके प्रिय और आपकी इच्छा के अनुसार जीने का मन दीजिए पिता हरेक जन को दर्शन दीजिए हम में से हरेक जन के जीवन में रहने वाले अपवित्रता को दूर कीजिए हमारे जीवन में रहने वाले संसार को हम में से निकालिए पिता आप ही आप ही हमारी दुनिया है आप ही हमारे सब कुछ है पिता आपकी इच्छा ही हमारे जीवन में पूरा होना है पिता पूरा कीजिए पिता इस प्रार्थना में सहभागी हरेक जन की सहायता कीजिए पिता आपकी इच्छा कर सके ऐसा मन दीजिए पिता आपके प्रिय होकर जी सके ऐसा सौभाग्य दीजिए पिता हमारे जीवन को प्रभु आशीषदायक बना दीजिए पिता आपको ही महिमा आपका सम्मान आपका आदर युग युग तक होती रहे ईशु के नाम से मानते हैं पिता आमीन प्रियो संदेश के द्वारा आप आशीष पाए तो और भी लोगों को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवेशन में मिलेंगे शलोम